So what's up guys and welcome back to another vlog. Thank you for having me. सुबह के बजने 2:41 और अभी लाइन पे खड़े हैं, बाबा जी के दर्शन करेंगे फिर उसके बाद वापस करेंगे चले जाएंगे। बाबा जी के दर्शन सुबह 5 बजे मंदिर खुलेगा, उसके बाद ही दर्शन हो पाएंगे। तो अभी तक का तो अपडेट यही था कि मंदिर पहुंच चुके हैं, सुबह सुबह 2:30 बजे निकल चुका हूं मैं और चलते हैं। सुबह सुबह नहा के ठंडा लग गया यार, बहुत ज़्यादा बर्फीले पानी में। हाँ सुबह नहाया यार गाइस मैं, वो भी उसके पानी में, नदी के पानी में, मंदाकिनी नदी के पानी में आर्यन भी नहाया। बहुत ठंडा था, बहुत ठंडा पानी था। छुटकर आ रही है तो हाथ देखो भाई लोग, ये बर्फ़ देख रहे हो, देखो कितनी चमक रही है अंधेरे में भी। 3:30 बजे के आसपास टाइम हो रहा और अभी भी चमक रही, और हमारी नेकेड आइज से तो बहुत ज़्यादा चमकती हुई दिख रही। ये तो मेरी फ्यूचर से भी ज़्यादा ब्राइट दिख रही है मुझे। तो भाई लोग प्रसाद ले चुके हैं, ये देखो ये मंदिर है, बस थोड़ी देर में कपाट खुलने वाले हैं 5 बजे तक। और अभी तो बस बढ़िया चल रहा है, ज़्यादा थकान लगनी थी बट ठंडा लग रहा है। और अभी दूसरे पीछे भी जाएंगे और उसके बाद ऊपर पैर बनाते। और बाकी अगर मुझे कोई धक्का मार के, मतलब मेरे साथ कोई मतलब मुझे खींच के ले जा ले तो मैं वहाँ तक चल जाऊँगा। और कम्बल रजाई दे दे बस, पैक कर दे मुझे। मेरा टेंट, मेरा कम्बल रजाई और मेरा जो वो है ग्लेशियर वाला सूट ग्लेशियर का, फिर चले जाऊंगा। फर्स्ट टाइम इन यूट्यूब हिस्ट्री में हो जाएगा फिर मेरा नाम। ओके गाइस, आगे तो मंदिर के दर्शन रहा। ओके गाइस, भाई लोग कपाट खुल चुके हैं, मंदिर खुल चुका है, अब चल रहे हैं अंदर। अब पहुंच जाएंगे अंदर, फिर दर्शन करके पीछे से दर्शन, वो कुंड के दर्शन करके फिर चलते हैं भैरव देव मंदिर के दर्शन करेंगे। इधर की तरफ जो पी फिर करते हैं, सबके दर्शन कर देंगे। भाई लोग कपाट खुल चुके हैं और अब लाइन बढ़ रही है, अंदर चलने की तैयारी हो रही है और अंदर का लॉक करने नहीं देते। और ये पीछे, अभी पीछे के सारे दर्शन करेंगे हम, चट्टान के भी दर्शन करेंगे, शंकराचार्य जी के भी दर्शन करेंगे, फिर उसके बाद भैरवदेव मंदिर के भी दर्शन करेंगे। तो भाई लोग दर्शन हो चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से और दैट्स द व्यू, ये चीज़ निकल के आ रही है और दर्शन हमारे हो चुके हैं। और अभी हम चल रहे हैं थोड़ा सा पीछे की साइड, पीछे के दर्शन कर लें और फिर वो चीज़ करते हैं। थंबनेल के लिए फोटो ले लूँ बाय द वे, बस ये कुछ है। पहुंच गए हैं हम, फाइनली हम पहुंच गए हैं केदारनाथ की घाटियों में और दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। और बस यही है, थोड़ी सी जान पहचान निकाल लो, भीमशिला थोड़ी सी जान पहचान निकाल लो तो यही होता है कि दर्शन अच्छे हो जाते हैं। और ठीक उसी तरीके से दर्शन बहुत अच्छे से हो गए मंदिर के। और अभी हम थोड़ा सा ऊपर जा रहे थे तो देख के ओम नमो भगवते और शंकराचार्य जी के हेलो व्लॉग में रिएक्शन मिलते हैं। फोटो अपने यार बनना है बाद में डालता।
भाई लोग वहाँ से दर्शन करके आ चुके हैं और भीमशिला की भी दर्शन कर लिए, और अब हम चल रहे हैं यहाँ से ऊपर की तरफ दर्शन करने एक और जगह पे। ओके गाइस, भैरव देव मंदिर के पास पे, तो वहाँ दर्शन कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपने लौंडों को पूछते हैं कि वो फ्री हुए कि नहीं हुए। अगर वो फ्री हो गए होंगे तो फिर देखते हैं, फिर हम जल्दी जल्दी करके खाना वीना खा के नाश्ता वास्ता करके हम निकल लेंगे। सो भाई लोग, यहाँ के भी दर्शन कर लिए हमने भैरव मंदिर के, और यहाँ देखो एक चीज़, जलेश्वरनाथ तू के नाथ। जलेश्वर जो है वो एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे शिवलिंग जो है वो सिचुएटेड है अंडर द वाटर इन दिस वर्ल्ड। देयर इज अ क्वाड्रेंगुलर वाटर टैंक अंडर द 16th स्टेप टूवर्ड्स द मेन टेंपल वेयर शिवलिंग इज प्लेस्ड। इट इज सेड दैट द नेम वाज गिवन एज जलेश्वर एज अ डीटी बिकॉज लॉर्ड शिवा इज रिगार्डेड एज अ डीटी। लोकेशन देख लो, तुझे जाना तो जा सकता है, नहीं तो हम कभी भी ट्रिप मार सकते हैं नेपाल का, और ये चीज़ आप लोगों को दिखा सकते हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, और चलते हैं अभी तो नीचे की तरफ। ओके गाइस, अरे चलो बुलावा आया है हमें भोले ने बुलाया है, बोलो हर हर महादेव शिव शंभू जोड़ के दोनों हाथ। तो भाई लोग, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था दैट हम लोग वहाँ गए थे, और इसमें नहाता मैं सुबह, आज पता तुम्हें तो